हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। एक लिस्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिस लिस्ट में यानी उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको आने वाली जो किस्त है यानी जो कि इसकी ई श्रम कार्ड की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है, तो वो आपका अगर उसमें नाम होगा या फिर है तो आपको जो है वो यहाँ पे 1000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूँ, 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में बहुत से किसान भाइयों के अकाउंट में 1000 रुपये आए हैं। तो उसी प्रकार से अगर इस लिस्ट में भी आपका नाम होगा तो आपको जो है वो 1000 रुपये की जो रकम है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी ये जो पैसा है, मैं आपको बता दूँ, अभी जनवरी में ये पैसा आ चुका है, अभी फरवरी में यानी 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी या 15 फरवरी के बीच में जो है वो किसानों के खाते में पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी जो ई श्रम धारक किसान भाई है उनके लिए, जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, तो उन किसान भाइयों के लिए जो है वो 1000 रुपये की जो धनराशि है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, ई श्रम कार्ड जारी किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22, 68, 90, 249 इतने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं और काफ़ी सारे जो रजिस्ट्रेशन हैं वो अभी यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और इस योजना का लाभ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि 1000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के अकाउंट में आ रही है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये की किस्त आती है, उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड की भी यहाँ पे जो किस्त है वो जारी कर दी गई है। पहली किस्त जारी हो चुकी है, दूसरी किस्त भी जो है वो अब आपके अकाउंट में आने वाली है। तो किसान भाई, आपको लिस्ट कैसे देखनी है और आपका नाम, आप किसी भी स्टेट से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी स्टेटों के जो नाम हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। मेरा नाम है राजू कुमार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आएंगे और आने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड, देख सकते हैं आप ये डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और अभी लोडिंग डाटा हो रहा है। देख सकते हैं हम डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, साइड में देख सकते हैं ई श्रम कार्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हुए हैं वो 22, 64, 92, 783 जो हैं वो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और लिस्ट की बात करें तो लिस्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप स्टेट भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, सारी स्टेटें यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्टेट यहाँ पे मिल जाएगी, SS के जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ मिल जाएंगे, CSC के थ्रू जो किए गए हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं वो यहाँ मिलेंगे और टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ मिलेंगे। और आप यहाँ पे स्टेट भी देख सकते हैं, सारी स्टेटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में कैटागिरी की बात करें तो देख सकते हैं आप कैटागिरी भी यहाँ पे एग्रीकल्चर, सारी कैटागिरी यहाँ पे दी हुई है जिन जिन कैटागिरियों में यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा, वो किसान भाई जिन्होंने यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो कैटागिरी चेंज की है, मतलब चेक की है आपका, या फिर यहाँ पे और कोई भी है जैसे लेबर हैं आप या फिर और कोई वर्क करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर है और आप PF और SI नहीं कटवाते हैं और आपको नहीं मिलता है और आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो कैटागिरी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, सारी कैटागिरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आप अपना जो नाम है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है इसको और यहाँ पर आप अपनी स्टेट जो है वो चूज़ कर लेंगे, जो भी स्टेट है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी स्टेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार है आपका, आंध्र प्रदेश है और अरुणाचल, बिहार, चंडीगढ़, जो भी आप स्टेट में हैं उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे UP है तो UP पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो यहीं पे आपको अपना नाम देख लेना है। आपका नाम अगर इसमें आता है यानी एग्रीकल्चर में आपने अगर जो है रजिस्ट्रेशन जो कैटागिरी है उसको लिया है तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये की जो धनराशि है वो आपको यहाँ पे प्राप्त
हो सकती है यानी मिलेगी। तो यूपी के किसान भाई हैं उनके लिए तो यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी सारे किसान भाइयों को यहाँ पे मिला है। तो और स्टेटों की बात करूँ तो और स्टेट वाले भी हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो पैसा मिल सकता है, यानी फरवरी 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जो है वो किस्त दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी, जिसके माध्यम से किसानों को जो है वो पैसा उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी डायरेक्ट जो पैसा है वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी आपको पता ही है 1 जनवरी को PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आई, उसके बाद में दूसरी इंस्टॉलमेंट जो ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं तो उनकी भी यहाँ पे जो किस्त का पैसा था वो भी आ गया, यानी किसानों को 3,000 रुपये 1 महीने में मिल गए। तो अब जो ई श्रम की बात करें तो ये तो आपको हर माह मिलेंगे, और PM किसान योजना की बात करें तो वो 3 या 4 महीने में आपको एक बार मिलते हैं 2,000 रुपये, और इसके आपको हर मंथ मिलेंगे। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको भी यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।